हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं सर्किट में एक सर्किट देखने वाले हैं। एडिटर क्या होता है? एडिटर तो जो भी हमारे बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, जो कंप्यूटर में इंटरनल प्रोसेस होती है जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, जैसे उसके नाम से ही क्लियर है कि एडिटर, एडिटर मतलब हम अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, जोड़ का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो बाइनरी लैंग्वेज है उसमें जीरो और वन को यदि हम एडिट करेंगे तो इंटरनली कंप्यूटर जो एडिटर का काम करेगा, तो वो इंटरनली जो प्रोसेस करेगा वो एडिटर के माध्यम से करेगा। और एडिटर जो होता है वो दो बीट को आपस में जोड़ता है, और ये दो प्रकार के होते हैं, हाफ एडर और फुल एडर। ठीक है, तो देखते हैं हाफ एडर क्या होता है। ठीक है, तो ये दो प्रकार के एडिटर होते हैं, हाफ एडर और फुल एडर। तो जो हाफ एडर होता है वो दो बाइनरी बीट या दो डिजिट को आपस में ऐड करता है। ठीक है, तो हाफ एडर का जो यूज़ है वो डिजिटल सर्किट में गणितीय कार्य करने के लिए होता है, और दो बीट को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला जो लॉजिकल सर्किट होता है उसे हम हाफ एडर कहते हैं। तो हाफ एडर जो होता है वो इस प्रकार से हमारा बनता है, जो सर्किट होता है मतलब हाफ एडर के द्वारा हम दो बाइनरी बीट को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, तो सपोज हमारा जैसे दो बाइनरी बीट है, सपोज हमारा जो बाइनरी बीट है 0 और 1, ये हमारा बाइनरी नंबर है। तो यदि हम नॉर्मली बाइनरी नंबर को हम जोड़ते हैं तो उसकी जो कंडीशन होती है, मैक्सिमम कंडीशंस क्या होगी, तो पहली होगी 0 प्लस 0, ये फर्स्ट कंडीशन हुई। फिर एक होगी हमारी 1 प्लस 0, ये सेकंड कंडीशन हुई। थर्ड कंडीशन क्या बनेगी हमारी, 0 प्लस 1, ये थर्ड कंडीशन हुई। और फोर्थ कंडीशंस क्या होगी, 1 प्लस 1। ठीक है, ये चार कंडीशंस हो हमारे पास, दो इनपुट हो रहे हैं तो ये चार कंडीशन हमारे पास बन रही है। तो 0 और 0 को यदि हम प्लस करेंगे तो उसका जो आउटपुट आएगा वो 0 आएगा। 1 प्लस 0 को यदि हम ऐड करते हैं तो उसका जो आउटपुट आ रहा है वो 1 आएगा, और 0 प्लस 1 को यदि हम ऐड करते हैं तो उसका आउटपुट भी 1 आएगा। अब बाइनरी में 1 प्लस 1 को यदि हम जोड़ेंगे तो उसका जो आउटपुट आ रहा है, ऐसे हम डेसिमल में देखें तो उसका 1 प्लस 1 2 आना चाहिए, लेकिन जो हम बाइनरी में एडिशंस करते हैं तो ये इसका जो आउटपुट आएगा दो डिजिट में आ रहा है। तो 0 प्लस 0 1 प्लस 1, तो जो आउटपुट आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, ये इस तरह से 2 हम लिखेंगे बाइनरी में, 1 0 1 0 मतलब 2 होता है, तो ये 2 हमारा जो आउटपुट आ रहा है दो डिजिट में आ रहा है। तो हाफ यदि हम अब जो हाफ एडर के द्वारा हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर दो आउटपुट आ रहा है, दो डिजिट में आउटपुट आ रहा है, 0 और 1। तो 0 तो सम हो गया, और जो 1 आ रहा है वो क्या हो गया, हम नेक्स्ट कॉलम में 1 को कैरी करेंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, इसको हम क्या बोलेंगे, कैरी। ठीक है, और ये जो आउटपुट 1 डिजिट में आ रहे हैं इनको बाय डिफॉल्ट हम 0 लगा देते हैं, ये 0 लगा दिया, ये 0 लगा दिया। ठीक है, तो हमारा हाफ एडर का यदि हम एक सर्किट बना के देखें तो हाफ एडर कैसा रहेगा, ये दो इनपुट हो गए हमारे, ये सपोज ये ए हो गया और ये बी हो गया, और ये हाफ एडर हो गया, हाफ एडर। ठीक है, अब जो आउटपुट आ रहा है हाफ एडर में, तो हाफ एडर के जो आउटपुट आ रहा है वो भी दो आएंगे, एक कैरी रहेगा और एक सम रहेगा, तो ये कैरी और ये सम। ठीक है, तो इस प्रकार से दो इनपुट रहेंगे और दो आउटपुट रहेंगे। तो हाफ एडर में हम दो इनपुट को ही प्लस कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, जैसे हम दो बाइनरी संख्या को जोड़ते हैं, जैसे हमने बाइनरी नंबर्स को, मैंने आपको आगे बताया अगली स्लाइड में कि हम बाइनरी नंबर्स को कैसे जोड़ते हैं, तो हमने बाइनरी नंबर्स को जोड़ते हैं और उसी प्रकार हाफ एडर में भी जोड़ने की प्रक्रिया होती है। तो दो बाइनरी नंबर को जोड़ने पर कैरी उत्पन्न होता है, तो कैरी किस कंडीशन में उत्पन्न हो रहा था, जब हम 1 प्लस 1 कर रहे थे, जब दोनों हमारे इनपुट हाई हो रहे थे तो उनको प्लस करने में जो आउटपुट आ रहा था तो वहाँ पर कैरी आ रहा था, दो डिजिट में हमारा आउटपुट आ रहा है। तो उदाहरण के लिए हमने 1 और 1 को जोड़ने पर जो हमारा सम आ रहा है वो 0 और कैरी प्राप्त होती है, 1 प्राप्त होती है। तो हाफ जो हमारा सर्किट है डिजिटल सर्किट, उसमें दो इनपुट और दो आउटपुट टर्मिनल होते हैं, और उसमें से एक इनपुट में प्रयुक्त संख्याओं का योग और दूसरे पर कैरी प्राप्त होता है। तो एक जो संख्या उसमें सम प्राप्त होता है और एक पे कैरी प्राप्त होता है, जैसे मैंने आपको
ये सर्किट आपको बताया था, तो दो इनपुट और दो आउटपुट रहते हैं। अब हाफ एडर का जो लॉजिकल सर्किट हम देख रहे हैं यहाँ पर, लॉजिकल परिपथ यहाँ पर देखिए, अब हमको दो इनपुट को दो इनपुट करवाना है और हमको सम और एक गेट से हमको सम प्राप्त हो रहा है और एक से कैरी हो रहा है। तो हमने यहाँ पर दो लॉजिकल गेट्स लिए हैं, एक ऊपर वाला जो गेट है, ये वाला जो गेट हम ले रहे हैं ये एक्सओआर गेट है, और ये जो वाला गेट है वो एंड गेट है। तो एंड गेट क्या करता है, एंड गेट हमारा जब यदि दोनों इनपुट हमारे हाई होते हैं तो वो क्या करता है, आउटपुट हाई देता है, और एक्सक्लूसिव जो हमारा गेट है एक्सओआर गेट है, यदि दोनों इनपुट में से यदि एक भी इनपुट हमारा हाई है तो वो जो आउटपुट देता है वो हाई देता है, मतलब वन देता है। यदि दोनों इनपुट हमारे यहाँ पर वन हुए तो जो आउटपुट आएगा वो जीरो आएगा। तो देखिए कैसे इसका लॉजिकल ट्रुथ टेबल बनेगा, ट्रुथ टेबल कैसे बन रहा है, कैसे काम कर रहा है। ये हमारे ए और बी क्या है, दो इनपुट्स है। तो सबसे पहले ये इनपुट हमारा एक्सओआर गेट में जा रहा है, ये एक्सओआर गेट बना हुआ है, ये और गेट और उसके आगे बना तो एक्सओआर गेट हो जाता है, और इसका जो जो इसका यहाँ पर कट कर देना, इसका जो फार्मूला होता है या इसका जो टर्म्स याद है, ठीक है यहाँ थोड़ा कट कर देना है ना। तो जो सम प्राप्त होगा एक्सओआर गेट में, हम ये एक्सओआर गेट है तो दो इनपुट हमारे एक्सओआर गेट में जा रहे हैं, और इसका जो इस तरह से जो आउटपुट देगा कि एस इक्वल टू ए एक्सओआर बी, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए बार बी प्लस ए बी बार, ठीक है। और फिर ये दोनों इनपुट ए और बी हम कैरी में दे रहे हैं, ये कैरी में ये ए का इनपुट आया और ये बी का इनपुट आ रहा है। तो ये जो हमारा एंड गेट होता है, एंड गेट क्या करता है, यदि हमारा एक भी इनपुट हाई हो रहा है मतलब वन हो रहा है तो आउटपुट वन देगा, सॉरी दोनों इनपुट जब हमारे यहाँ पर वन होंगे तभी जो आउटपुट है वो हाई देगा। तो ये हमें कैरी प्राप्त होता है, और इसका जो फार्मूला होता है वो ये जो है मल्टीप्लीकेशन करता है, तो दोनों इनपुट को ए डॉट बी से हमारा ये आउटपुट प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा यहाँ पर देख लीजिएगा। तो हमने अभी ऊपर जो डायग्राम देखा कि उसमें एक हाफ एडर का लॉजिकल परिपथ हमने जो है वो रिप्रेजेंट किया है, उसमें एक एक्सओआर गेट है और दूसरा हमारा एंड गेट का यूज़ किया गया है। तो एक्सओआर की जो आउटपुट है वो दोनों इनपुट ए और बी का योग करके इस प्रकार से हमारा जो आउटपुट प्राप्त हो रहा है इस प्रकार से होगा, और एंड गेट का जो आउटपुट योग में प्राप्त होता है, ठीक है। तो और उससे हमें कैरी प्राप्त होगा, तो ये हमने आपको मैंने बताया। अभी हमारी ट्रुथ टेबल बनेगी हाफ एडर की, वो किस प्रकार से बनेगी, ठीक है। तो दो इनपुट है हमारे ए और बी, और जो मैक्सिमम कंडीशन होगी वो चार ही होगी, क्योंकि दो जो बाइनरी बीट है उसमें चार मैक्सिमम कंडीशन बनेगी। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी हो रही है, यदि हम दोनों इनपुट क्या रख रहे हैं, जीरो जीरो रख रहे हैं, तो हमारा जो आउटपुट प्राप्त होगा वो क्या होगा, जीरो और कैरी जीरो। कैसे, जैसे मैं आपको इधर समझाता हूँ, यदि मेरा इनपुट ये जीरो और ये जीरो है तो हमें जो सम मिल रहा है वो जीरो मिल रहा है, और कैरी यहाँ पर आ रहा है मतलब एक इसके आगे कोई डिजिट नहीं है, तो कैरी भी यहाँ पर क्या हो रहा है, जीरो प्राप्त हो रहा है। तो एक कैरी भी जीरो प्राप्त हो रहा है, तो सम इक्वल टू जीरो और कैरी इक्वल टू वन। अब हमारी सेकंड कंडीशंस है कि हमारा एक इनपुट ए इक्वल टू क्या है, ये जीरो है, और बी इक्वल टू वन है। अब इसको हम सम करेंगे तो हमारा सम यहाँ पर क्या आ रहा है, वन आ रहा है, और जो कैरी आ रहा है वो जीरो हो रहा है। तो ये सम जो आ रहा है आउटपुट में वो वन आ रहा है और कैरी जीरो आ रहा है। अब थर्ड कंडीशंस क्या बन रही है, जब हमारा इनपुट ए क्या है, वन है, और बी आउटपुट है वो जीरो है, यहाँ पर भी जो सम हो रहा है बाइनरी नंबर्स का वो यहाँ पर भी आउटपुट में सम आ रहा है, और कैरी क्या हो रहा है, जीरो आ रहा है, ठीक है। तो सम में ये वन आ रहा है, कैरी में जीरो आ रहा है। अब जो कंडीशंस फोर्थ है, जब हमारे ए और बी दोनों इनपुट वन वन हम दे रहे हैं, वन प्लस वन, तो वन प्लस वन में यदि हम इसको प्लस करते हैं बाइनरी में, तो इसमें सम जो रहेगा वो जीरो रहेगा, और इसका जो कैरी होगा वो वन आ जाएगा। मतलब हम इसको जोड़ रहे हैं तो वन प्लस वन जीरो होता है, और जो वन आगे हम जो लिखते हैं वो क्या होता है, हमारा कैरी होता है। तो ये जो जीरो हो गया वो सम हो गया, और ये क्या हो गया, कैरी हो गया। तो सम में जीरो और कैरी में वन, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी हाफ एडर की ट्रुथ टेबल बनती है। ट्रुथ टेबल जो हमने देखा तो उससे स्पष्ट है कि एंड गेट के आउटपुट केवल उसी स्थिति में हमारी
हाई होती है जब दोनों इनपुट हमारे ए और बी हाई होते हैं। मतलब यदि हम ये जो एंड गेट हमारा कब हाई आउटपुट वन कब देगा, जब दोनों इनपुट ए और बी हमारे दोनों वन होंगे तभी उसका जो आउटपुट आएगा वो वन आएगा। तो ये जो हमारा सम प्राप्त हो रहा है, मतलब जो कैरी प्राप्त हो रही है, तो ये कैरी हमारा कहाँ से आ रहा है, जैसे मैं आपको वापस ले चलता हूँ। तो जो कैरी हमें प्राप्त हो रहा है वो एंड गेट से प्राप्त हो रहा है, और ये जो गेट है वो हमारा एंड गेट है, और जो हमारा सम प्राप्त हो रहा है वो सम एक्सओआर गेट से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो एंड गेट में कैरी हमें कब प्राप्त होगी, जब दोनों इनपुट हमारे हाई होंगे तब उसका आउटपुट जो है वह हाई होगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारी ट्रुथ टेबल बनी है। और एक्सक्लूसिव आर गेट में केवल जो आउटपुट हाई तभी होगा, हाई मतलब वन होगा, जब दोनों इनपुट में से कोई भी एक इनपुट हाई होता है तभी उसका जो आउटपुट है वो हाई होता है। यदि हमारे दोनों इनपुट हाई हैं तो जो आउटपुट आएगा वो जीरो आएगा। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड टाइप का जो एडिटर है उसको हम बोलते हैं फुल एडिटर। फुल एडिटर क्या होता है कि हाफ एडर में हमने देखा कि अभी सिर्फ दो ही बाइनरी बिट या दो ही बाइनरी नंबर्स को हम ऐड कर पाते थे, तो यदि हमको जोड़ने वाली संख्या में मल्टीपल बिट संख्या है तब हाफ एडर में निम्न क्रम में बिट को लो ऑर्डर में से प्राप्त कैरी में हमें जो कैरी को नहीं जोड़ा जा सकता, इसीलिए हम फुल एडर का यूज़ करते हैं। और फुल एडर जो है वो तीन बाइनरी बिट्स जो होती है उसको एडिटिंग का काम करता है, इसीलिए इसको हम फुल एडर कहते हैं। ये जो है तीन बाइनरी बिट्स या तीन बिट उसको प्लस करता है। इस प्रकार से इसका जो देखिए कैसे इसका एक सर्किट बनाया है जिसमें तीन ए बी और सी, ये तीन हमारी बिट है या इनपुट है, और हमें ये फुल एडिटर है और यहाँ पर हमें कैरी प्राप्त हो रहा है और सम प्राप्त हो रहा है, मतलब तीन इनपुट है और दो आउटपुट प्राप्त हो रहे हैं। अब दो हाफ एडर को दो हाफ एडर तथा एक और गेट का उपयोग कर हम फुल एडर बनता है। ठीक है, यहाँ पर हमने दो हाफ एडर, जैसे अभी हमने देखा था हाफ एडर क्या होता है, तो हाफ एडर में हमारे दो गेट थे एक्सओआर और एंड गेट, तो यहाँ पर दो हाफ एडर और एक और गेट को मिलाकर फुल एडिटर बनाया जा सकता है, जो आपको नीचे चित्र में दिख रहा है। देखिए यहाँ पर ये एक हाफ एडर ये पर है, ये जो डॉट डॉट आपको लगा हुआ है ये हमने हाफ एडर में डायग्राम बनाया था, तो ये एक कैरी और एक सम दे रहा था और एक हाफ एडर ये है। अब इन दोनों हाफ एडर में एक गेट और हमने जोड़ा है, ये जो और गेट जोड़ा है। ठीक है, तो अब ये कैसे काम कर रहा है, तो इसमें तीन इनपुट हम दे रहे हैं ए बी और सी, तो एक्सओआर गेट है ये, एक्सओआर गेट में हम ए और बी वैल्यू दे रहे हैं, तो जो आउटपुट आ रहा है एक्सओआर का ए एक्सओआर बी, तो ये इसका इनपुट बन रहा है सेकेंड एक्सओआर का। और फिर हम ये जो ए और बी इनपुट है हमारे वो एंड गेट में दे रहे हैं, तो एंड गेट से हमें कैरी प्राप्त हो रहा है, तो जो कैरी का आउटपुट आ रहा है वो और गेट में दे रहे हैं, और इस एंड गेट का भी आउटपुट जो है वो और गेट में दे रहे हैं, तो यहाँ से हमें कैरी प्राप्त होगा और ये जो एक्सओआर गेट है यहाँ से हमें सम प्राप्त होगा। ठीक है, तो हाफ एडर वन को दो इनपुट हम ए और बी इनपुट दी जाती है जिसमें से हमें सम प्राप्त होता है, और दूसरे हाफ एडर के इनपुट किया जाता है, और जबकि सेकेंड हाफ एडर की दूसरी इनपुट सी है, तो सेकेंड हाफ एडर से प्राप्त सम फुल एडर की सम आउटपुट के इक्वल होती है, बराबर होती है। तो पहले हाफ एडर से प्राप्त कैरी तथा दूसरे हाफ एडर से प्राप्त कैरी को और गेट में इनपुट दिया जाता है, और जो आर गेट का जो आउटपुट होगा वो फुल एडर की कैरी हमें प्राप्त होती है, जैसे आपको फिगर में दिख रहा था। अब इसका जो ट्रुथ टेबल है फुल एडिटर का, तो जो उसमें मैक्सिमम कंडीशंस बनेगी वो 8 बनेगी, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा वो हो रहा है वो तीन इनपुट्स हो रहे हैं, तो ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, तो जो मैक्सिमम नंबर रहेंगे वो कितने हो जाएंगे 8, तो ये 2 की पावर 1 की वैल्यू होती हमारी 0 की वैल्यू होती 1, 2 की पावर 1 की वैल्यू होती 2 और 2 की पावर 2 की वैल्यू होगी 4, तो 4 और 2 6 और 7। ठीक है, तो जो हमारे पास जो कंडीशंस बनेगी मैक्सिमम कंडीशंस वो इस प्रकार से बनेगी। ठीक है, 6 कंडीशंस। तो पहली कंडीशंस है यदि हमारा तीनों इनपुट जो है ए बी सी 0 0 है, तो इस प्रकार से यदि हम तीनों इनपुट यदि हम ले रहे 0 0 और 0,
तीनों इनपुट को हम प्लस कर रहे हैं तो हमारा आउटपुट जो है वो जो सम आ रहा है आउटपुट वो सम जो हो रहा है वो जीरो प्राप्त हो रहा है, कैरी भी इसमें जीरो है। तो इस प्रकार से ये आउटपुट ये सम भी हमारा जीरो और कैरी भी जीरो। अब यहाँ पर जो सेकंड कंडीशन है उसमें जो सेकंड हम इनपुट दे रहे हैं, सेकंड इनपुट दे रहे हैं जीरो जीरो और वन, ठीक है, जीरो जीरो प्लस वन। तो ये जो हमारा ये भी होगा तो सम हमारा क्या प्राप्त हो रहा है यहाँ पर वन और जीरो क्या प्राप्त हो रहा है कैरी। तो सम में यहाँ वन आ गया और कैरी में जीरो आ गया। तीसरा इनपुट दिया हमने यहाँ पर जीरो वन जीरो, तो ये जीरो वन जीरो, ये तीसरा मैंने लिया जीरो वन जीरो, तो ये इसका भी सम जो हो रहा है हमें वन प्राप्त हो रहा है कैरी जीरो। फिर हमारी सेकंड कंडीशंस आ रही है यहाँ पर देखने के लिए, ये कंडीशंस में हमारे दो जो इनपुट आ रहे हैं वो वन आ रहे हैं, तो जीरो वन वन, ठीक है। अब इनको यदि हमको प्लस करना है तो यहाँ पर हमें जो प्लस करेंगे वो दो डिजिट में आएगा हमारा जो सम आएगा, तो ये जीरो और वन। तो यहाँ पर जो सम आ रहा है वो हमारा ये जीरो आ गया और जो कैरी प्राप्त हो रहा है हमें वन प्राप्त हो गया, ठीक है। तो कैरी में वन और सम में जीरो। फिर अगली कंडीशंस हमारी बन रही है कि वन जीरो जीरो, तो वन जीरो जीरो ये भी हमारा सम जो रहेगा वो वन रहेगा और ये कैरी जो जीरो रहेगा। फिर वन जीरो वन जीरो वन, तो वन जीरो वन भी हमारा इस प्रकार से ही आएगा। तो इसमें जो वन जीरो वन, तो यहाँ पर भी हमारा जो सम होगा वो जीरो होगा और कैरी वन आएगा। मतलब जहाँ पर भी हमारे दो इनपुट्स वन होंगे वहाँ पर सम जो है वो हमारा जीरो रहेगा और कैरी वन हो जाएगा। और एक यदि तीनों इनपुट में एक यदि हमारा वन आ रहा है, हाई हो रहा है, तो हमारा सम जो रहेगा वो वन रहेगा और कैरी हमारा जीरो रहेगा। तो इस प्रकार से हमने आज देखा एडिटर क्या होता है, और दो प्रकार के एडिटर देखे, हाफ एडर और फुल एडर, ठीक है। अगले हम उसमें लेक्चर में देखेंगे सबस्ट्रैक्टर क्या होता है, ठीक है। थैंक यू।